खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान लंका मैदान में आयोजित वैदिक महोत्सव में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार लगातार देश के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि यज्ञ हवन एवं प्रवचन की ऊर्जा विकसित भारत की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेगी। मनोज सिन्हा शास्त्री नगर स्थित अपने आवास पर आज रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि कल कई विद्यालयों के कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात वह देर शाम वाराणसी के लिए रवाना होंगे। स्वामी जी की जयंती मनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया। आपने सैनिक लोगों को ध्यान होगा, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, इसमें भी आपने सैनिक लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी चार जातियों का ही जिक्र कर रहे हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। आज संपूर्ण समाज को जाति क्षेत्र वर्ग भेद की संकीर्णता से ऊपर उठ करके नए आचरण के साथ इन चार जातियों के उत्थान के बारे में सोचना है। पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे तो 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के बाहर निकल रहे हैं। ये भारत की राजनीति न्याय विकासवाद और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों का परिणाम है। इस देश में बड़े लंबे समय तक गरीबी मिटाओ के सिर्फ नारे सुने थे, पीढ़ियां गुजर गई लेकिन करोड़ों परिवारों को गरीबी से मुक्ति नहीं मिल पाई। गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का काम मैं समझता हूं पिछले 5-6 वर्षों में जिस गति से हुआ है, ये गति देश में कभी भी नहीं। हम इस देश के कभी गुलाम होते तो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। और जो लक्ष्य देश के सामने है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, वो केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। सरकार ठीक दिशा में देश को आगे बढ़ा रही है। एक एक नागरिक को इस यात्रा में सहभागी बनना होगा, सहयोगी बनना होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जिन चार जातियों का जिक्र हुआ है उनके माध्यम से भारतवर्ष के भविष्य की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा, निवेदन भी करूंगा, गाजीपुर के विशाल वैदिक महोत्सव से समाज के इस नए विधान की हिंसान से और यज्ञ भजन प्रवचन की ऊर्जा विकसित भारत की अमृत यात्रा में हम सबका मार्गदर्शन करें, यही आग्रह करते हुए आयोजन से जुड़े अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मैं जानता हूं कि विलंब भी हुआ लेकिन 5 बजे का मैंने समय दिया था, 5:22 पर मैं आ गया था। ठीक है, धन्यवाद।